हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कप स्लीव्स। तो इसके लिए मैंने स्लीव्स की लंबाई 16 इंच ले ली है और स्लीव्स की मोरी मैंने 8 इंच ले ली है। स्लीव्स के मुंडे का निशान मैंने 7.5 इंच लिया है और फिर मैंने एक फैब्रिक की पट्टी ले ली है जो 12 इंच लंबी है और इसको मैंने डबल करके लिया है, 3.5 इंच चौड़ी है। इस पट्टी पे मैं अस्तर लगा लूँगी। अस्तर मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये कपड़ा मेरा बहुत ज़्यादा लूज़ है, इस वजह से लगा रही हूँ अस्तर। आप चाहें तो आप बुकरम भी लगा सकते हैं। फिर अस्तर लगाने के बाद फिर मैंने स्लीव्स ले ली है, इसको बीच से फोल्ड करके बीच में निशान लगा लिया है और इस पट्टी पे भी मैं बीच में निशान लगा लूँगी फोल्ड करके, ताकि इससे पता चल जाएगा किधर ज़्यादा कपड़ा आ रहा है, रेटे डालने में आसानी होगी। फिर मैंने पट्टी को सीधा रखा है और स्लीव्स को भी मैंने सीधा रखा है। फिर इस पे हम प्लेटें लगा लेंगे। आप चाहें तो आप ज़्यादा कपड़ा भी ले सकते हैं, मोरी का ज़्यादा प्लेटें आ जाएंगी। मैंने ज़्यादा नहीं लिया है तो मैं थोड़ा दूर दूर ही प्लेटें लगाऊंगी इसमें। सारी प्लेटें मैंने लगा ली हैं, अब इस पट्टी को मैं ऊपर की तरफ कर दूंगी। और फिर इसको हल्का सा फोल्ड करेंगे हम, तो इसके ऊपर रख के पहले मैं इसको प्रेप कर लूंगी। आप चाहे तो लंगर भी डाल सकते हैं सुई से। इसको प्रेप करने के बाद अब मैं इस पर सिलाई लगा लूंगी, पिनों को हटाती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब इसको मैं फोल्ड कर लूंगी और मोरी का निशान मैं 5 इंच लगाऊंगी। ये मुंडे का निशान तो मैं 7.5 इंच लगाया था, इस तरीके से लाइन को मैं कर लूंगी और फिर इस पे सिलाई कर लूंगी। डबल सिलाई कर रही हूँ इसको, फिर इसको मैं सीधा कर लूंगी। सीधा करने के बाद इस तरीके से हमारा बन के रेडी हुई है ये। अस्तर लगाने से फिनिशिंग भी आई है काफ़ी। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।